नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2019 के बारे में। तो दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर बहुत बड़ी खुशखबरी यहां पर निकल कर आई है कि जिसमें दोस्तों कहा गया है कि यह जो केंद्र सरकार है वह रेलवे में चुनाव से पहले हजारों नौकरियों का यहाँ पर निकालने वाली है या हजारों नौकरियों का तोहफा देने वाली है युवा वर्ग के लिए। क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट ईयर 2019 में अभी केंद्र सरकार का लोकसभा वाला चुनाव संपन्न होना है या फिर होने वाला है, तो इसलिए दोस्तों रेलवे की जो वैकेंसी है वह जल्दी से जल्दी पूरी वैकेंसी यहाँ पर निकालेंगे जितनी भी यहाँ पर रिक्त पद हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हजारों वैकेंसी निकलने की पूरी पूरी संभावना है, यह दोस्तों आज के ही न्यूज़पेपर में है कहा गया है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं आखिर किन किन पदों पर भर्ती निकलने वाली हैं। तो दोस्तों बने रही आप हमारे साथ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको मालूम हो सके कि आखिर 2019 में कौन कौन से यहाँ पर रेलवे वैकेंसी निकालने वाला है। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए चलते हैं और देख लेते हैं। दोस्तों जो न्यूज़ पेपर की कटिंग है यह अमर उजाला की न्यूज़ कटिंग है, यह लखनऊ में प्रकाशित किया गया था। दोस्तों इसमें हेडलाइन ही दी है इसमें, चुनाव से पहले रेलवे का हजारों नौकरियों का तोहफा, यानी कि रेलवे जो है भाई हजार नौकरी निकालने वाली है। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर किस किस डिपार्टमेंट में किस भी की वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, आकर बिल्कुल डिटेल से पढ़ते हैं कि आखिर इसमें लिखा क्या है। ठीक है, पहले लिखा है दोस्तों, युवा पर मोदी सरकार की नज़रें इनायत हैं। अभी बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की जो चर्चाएं चल रही हैं, इसके बीच अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए रेलवे एक बार फिर से नौकरियों का पिटारा खोलने वाला है। क्योंकि दोस्तों जो वैकेंसी अभी निकली थी इसके बाद दोस्तों फिर से यहां भारतीय जो रेलवे है भाई फिर से यहां पर नौकरियों का पिटारा खोलने वाला है। क्योंकि दोस्तों अगले साल यहाँ पर लोकसभा चुनाव होने हैं, इस वजह से रेलवे जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक यहाँ पर नौकरियाँ निकालेंगी। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, जूनियर इंजीनियर की विभिन्न श्रेणियों में 15,000 से ज़्यादा पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन निकल चुका है, जो 2 जनवरी से इसका फॉर्म भरा जाना है। दोस्तों इससे रेलवे भर्ती बोर्ड RRB इलाहाबाद द्वारा 1400 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। बुधवार को 2 जनवरी 2019 से पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि बोर्ड की वेबसाइट पर 31 जनवरी 2019 निर्धारित की गई है। इलाहाबाद, देखिए इलाहाबाद गोरखपुर समेत देश के 21 भर्ती बोर्डों द्वारा जूनियर इंजीनियर के 13,487 पदों की भर्ती की जानी है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक और जो दिव्यांगजन हैं आदि श्रेणी के भी इसमें मिलाकर 1,604 पदों पर भर्ती होगी। इस तरह से कुल मिलाकर यहाँ पर दोस्तों मान के देखेंगे 15,000 से भी ज़्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें RRB इलाहाबाद के कुल पदों की संख्या 1649 प्लस 183 है। इस पदों में 183 पद भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांगजन आदि शामिल हैं। परीक्षा के लिए ऑनलाइन की आवेदन किए जा सकेंगे। बुधवार 2 जनवरी से सुबह 10 बजे से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें लिखा गया है यहाँ पर देख लीजिए, को आवेदन करने की अंतिम तिथि वह 31 जनवरी 2019 है और कितनी रात 11:59 यानी कि लगभग 12 बजे तक। और दोस्तों यह GA यानी जूनियर इंजीनियर श्रेणी के विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षा की ऑनलाइन होगी। इससे पहले चरण की परीक्षा अप्रैल-मई 2019 में प्रस्तावित है। और RRB इलाहाबाद के चेयरमैन SAM नकवी ने इसकी पुष्टि की है। तो दोस्तों आप बिल्कुल तैयार हो जाइए क्योंकि 2019 में बहुत सारी यहाँ पर वैकेंसी आने वाली हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए दोस्तों, हमारे चैनल की तरफ से आपको पल पल का अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल शिक्षा अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी अपडेट आएगा उसको तुरंत आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।